देश में आने वाले समय में गणेश चतुर्थी का पर्व आ रहा है। वहीं गणेश चतुर्थी पर्व को लेकर शहर में गणेश पंडाल लगाना शुरू हो गए हैं, लेकिन बढ़ती आपराधिक गतिविधियों को देखते हुए इंदौर जिला प्रशासन ने थाना प्रभारी को ही गणेश पंडाल की अनुमति देने के अधिकार दे दिए हैं, जिसके बाद बड़ी संख्या में थाना प्रभारी के पास गणेश पंडाल की अनुमति लेने के लिए क्षेत्र के गणेश पंडाल के आयोजक पहुँच रहे हैं। इसी क्रम में शुक्रवार को एक बैठक का आयोजन द्वारकापुरी थाना क्षेत्र में भी किया गया। यहां पर बड़ी संख्या में क्षेत्र के गरबा पंडाल के आयोजक थाना प्रभारी के साथ पहुंचे और परमिशन के लिए आवेदन दिया। वहीं थाना प्रभारी ने पंडाल में किस तरह की व्यवस्था होना चाहिए, पार्किंग की किस तरह की व्यवस्था होना चाहिए, वहीं पंडाल के आसपास सीसीटीवी कैमरे लगे होना चाहिए आदि बातों के बारे में पंडाल आयोजक को जानकारी दी और उसी आधार पर अब अनुमति देने की बात भी कही है। फिलहाल इंदौर शहर में कई आयोजक गणेश पंडाल लगाते हैं, लेकिन किसी के भी पास परमिशन नहीं होती है और किसी के पास होती है, लेकिन इस बार विभिन्न थाना क्षेत्रों में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ने का काम का भी खतरा बना हुआ है और इन्हीं सब समस्याओं को दूर करने के लिए इस बार प्रशासन ने थाना स्तर पर ही परमिशन देने की योजना बनाई है। गणेश उत्सव के संबंध में जो जो गणेश स्थापना करते हैं और इधर मेला भी होता है द्वारकापुरी में, सभी लोगों को बुलाया आयोजकों को और उनको जो भी निर्देश है भ्रष्ट अधिकारी से और कार्यालय से और जो भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश निर्देश है उस संबंध में अवगत कराएंगे। सर जो पंडाल रहते हैं उसमें सीसीटीवी की व्यवस्था और अत्यधिक के भी जो नियम लागू किए जाएंगे इस तरह से? हाँ, सीसीटीवी कैमरे वगैरह लगाने के लिए भी बताया जाएगा, रोडों पे ना लगाया जाए, रोड छोड़ा जाए लोगों के लिए, आम रास्ते पे ना लगाया जाए, पार्किंग को लेकर भी पार्किंग के लिए भी रहेगा।